जिले के चौहटन पुलिस ने नकबजनी की 16 वारदातों को अंजाम देने वाले साथी चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महज 3 रातों में ही चोरी की 11 वारदातें सहित 16 चोरियां करना कबूल किया। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। चौहटन पुलिस ने नकबजनी की 16 वारदातों को अंजाम देने वाले साथी चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी ने महज 3 रातों में चोरी की 11 वारदातों सहित कुल 16 चोरियां करना कबूल किया है। आरोपी नकबजनी ने चौहटन के सवेरे कातला व श्रीद्री क्षेत्र की ढाणियों सहित जिले में वारदातों को अंजाम दिया था। चौहटन थानाधिकारी भुटाराम विश्नोई ने बताया कि सवेरे कातला के भैराराम जाट की रिपोर्ट पर सोने व चांदी के गहने व नकदी चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने प्रकरण के निस्तारण के लिए अज्ञात चोरों का सुराग ढूंढने के तत्काल प्रयास शुरू किए। उन्होंने बताया कि आम सूचनाओं एवं तकनीकी सहायता से साथी चोर चूनाराम पुत्र पदमाराम जाट निवासी भीमथल थाना धोरीमना को गिरफ्तार किया है। शिव साहब चौहटन के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया, जो लगातार जिले में हो रही चोरियों के बारे में भी आसूचना और तकनीकी सहायता से विभिन्न टीमों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करी थी। अपने चौहटन थाना क्षेत्र के नेत्राड़ गांव में अभी परसों 27 तारीख को एक घर में नकबजनी हुई। उसने विशेष मुखबिरों से और तकनीकी सहायता से कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम है चूनाराम पदमाराम, जो भीम थर्ड एयर धोरी नाम के है, उसको दस्तयाब किया गया। उससे पूछताछ की गई, उसने चोरी स्वीकार की गई और साथ में ये भी बताया कि सिंधी हल्कम जो मोतीसरा में 10 करीबन घरों में चोरी की थी वो भी इसने स्वीकार की है। रामजी की गोड़ में भी 3-4 दिन चोरियां स्वीकार की गई है और नेत्राण में अभी 1.5 महीना पहले चोरी हो रही थी वो भी स्वीकार की है। मुलजिम से कड़ी पूछताछ के दौरान उसने कुल 16 वारदातें कारित करना स्वीकार किया है। चोरी का प्रकरण दर्ज होने के साथ ही महज 24 घंटों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वही उक्त वारदात सहित जिले भर में चोरियों का साथी अपराधी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।